स्टूडेंट्स हाउ आर यू। मैं मनेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं आज सॉन्ग खामोशियां ट्यूटोरियल कि हम कैसे उसको पियानो पर प्ले करेंगे। हाउ कैन वी प्ले द कवर ऑफ पियानो सॉन्ग खामोशियां। ओके सो नाउ लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉन्ग का ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके नाउ किस तरह से प्ले करेंगे हम ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता दूं जो मैं स्केल यहाँ प्ले कर रहा हूँ वो है ई मेजर स्केल। आप मेरे पिछले लेसन्स में जाकर देख सकते हैं मैंने आपको ई मेजर स्केल सिखा रखा है और ई मेजर स्केल पर हम कैसे इस सॉन्ग को प्ले करेंगे। एंड सेकंड थिंग, ई मेजर स्केल में कुछ और बहुत सारी वेरिएशंस हैं, लाइक सम नोट्स आर इन अदर स्केल्स बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो हम उनको ज़्यादा गौर ना करते हुए अपने ई मेजर स्केल के अकॉर्डिंग इस सॉन्ग को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें इसको प्ले करना है। बहुत बारीकी से आप देखिएगा, मैं बता देता हूँ। ई मेजर स्केल पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि वीडियो के दौरान ये जब क्लास चल रहा है तो हो सकता है आप दूसरी वीडियो ना देख पाएँ। सो देखिए कैसे लगाते हैं तो आप देख लीजिए, है ना। सो नाउ स्टार्ट कैसे होगा, खामोशियां आवाज है कभी सुनने तो आओ से। ये सॉन्ग है आपने सुना होगा तो मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बता देता हूं। मैंने गाकर भी आपको सुना दिया ई मेजर स्केल पर। सो नाउ यहां देख सकते हैं ई से स्टार्ट करेंगे है। लिरिक्स आप देख सकते हैं क्या है, लिरिक्स हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बस इतना लाइन में प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड सेकंड पार्ट यहाँ पर कॉर्ड चेंज हो जाता है बट कॉर्ड पर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन का लेसन मैंने अभी आपको दिया नहीं है। सो अभी लिरिक्स पर आप फोकस रखिए। आवाज है
सो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको. फर्स्ट पार्ट था. अब मैं सारी फिंगर से आपको बजाकर बताता हूं कि फिंगर कौन कौन सी यूज होंगी. स्टूडेंट्स तो ये फर्स्ट पार्ट है, आप समझ गए होंगे. मैं सेकंड पार्ट आपको बता देता हूं. यहाँ पर थोड़े नोट्स चेंज हैं, आप ध्यान रखिएगा. मैं इसीलिए सिंगल फिंगर से बजा रहा हूँ, अभी मैं सारे फिंगर यूज कर रहा था. ये सेकंड पार्ट है एंड देन वापस फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें लाइन जुड़ जाती है. आई विल रिपीट अगेन. तो ये सेकंड पार्ट था, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है. इसको जोड़ देते हैं किस तरह से.
स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सॉन्ग प्ले होगा, और मैंने सारे नोट्स आपको बता दिए, समझा दिया कि किस तरह से इसको प्ले करना है। एक बार मैं फिर आपको पूरा सॉन्ग स्लोली प्ले करके बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सॉन्ग प्रॉपर, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सॉन्ग के साथ। थैंक यू।